स्मार्ट तो मैं लगता ही हूँ। सो रहे कैसे? म्यूजियम है, बहुत बड़ी नदी है, आपस में नहीं मिलती। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और आज है 6 जुलाई और अभी बज रहे हैं 4:15 और हम जाने की तैयारी में हैं कि हेमकुंड साहिब। अभी मंदीप पीछे एटीएम में गया है पैसे निकलवाने और हम जाएंगे सीधा दमन के घर क्योंकि वो थोड़ा लेट है। चलो वहीं जाके मिलाते हैं। सो गाइस, हम आ गए पेट्रोल पंप के बाहर, तो आपको मिलवाते हैं अपने हर एक फ्रेंड से। ले रहा दमन, हेलो करते एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। देखो मेरा कुनाल, चेहरे पे नूर आया हुआ मेरे। चलो चलते हैं। हाँ नेवी ब्लू हूँ लेकिन हाँ एक ही टोन है। वो तो है, स्मार्ट तो मैं लगता ही हूँ। सो गाइस, हम आए अभी इन एंड आउट थोड़ा सामान लेने खाने पीने के लिए क्योंकि रास्ते में कुछ ना कुछ तो जरूरत पड़ेगी। अभी हम सामान वगैरह ले रहे हैं तो अब हम जो भी स्टॉप रुकेगा, जो भी अगला स्टॉप होगा सीधा वहीं मिलते हैं आपको। फाइनली सुबह हो चुकी है और धूप तो बहुत तेज़ है यहाँ पे तो, और हम ये सीएनजी पंप रुके हैं क्योंकि सीएनजी बार बार भरवानी तो ज़रूरी होती है। तो हाँ, सीएनजी पेट्रोल है, सीएनजी है तो हम सीएनजी डलवा रहे हैं। बाकी अब चलते हैं, अभी चीतल ग्रैंड पे एक ढाबा है वहाँ रुकते हैं। आपको थोड़ा फेमस ढाबा है, सुना हुआ काफ़ी नाम है। सो गाइस, हमने एक स्टॉप लिया है चीतल ग्रैंड। हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी तो हमने सोचा कुछ खा ले। गाइस, हम चीतल ग्रैंड से निकल चुके हैं। यहाँ का खाने तो ओके ओके था, मतलब परांठा सही था, बाकी शेक इतना महंगा 170 रुपये का, लस्सी पूरी दही मीठा दही ऐसे खा रहे हैं। चलो ठीक है, खाना खाई खाना, मतलब सही था। जिसको काम चलाओ यार, क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा। हाँ, रईस ज़्यादा आ सकते हैं यहाँ पे। हमारा आगे का प्लान था कि अब हम सीधा जाके रुकेंगे, मतलब सबसे बाद में रुकेंगे। अब चलो आपको दिखाते हैं आगे। ऐसे मन कर रहा है गिर के शीशे खोल लें, लेकिन अब बाहर थोड़ी हवा गर्म है, लेकिन क्या होता थोड़ी देर बाद सही हो जाए। लेकिन बहुत बढ़िया मौसम है, ये देखो क्या मौसम है। तो गाइस, हम आ गए हैं फाइनली पौंटा साहिब गुरुद्वारा। हमारा अचानक बीच में मूड बना पौंटा साहिब जाने का, तो हम यहाँ आ गए। पर गाइस, वेदर ऑसम, इतनी तेज़, मैं कह रहा हूँ रास्ते में नाना करते 1.5-2 घंटे लगातार बारिश हुई है और हवा तो ठंडी हो गई है, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है अभी तो। चलो दिखाते हैं आपको अंदर। गाइस, ये पौंटा साहिब गुरुद्वारे का म्यूज़ियम है, चलो आपको अंदर दिखाते हैं क्या सीन है। जितनी भी फ़ोटो लगी हैं सबके नीचे उनके सबकी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि क्या 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 हुआ था, कब हुआ था। बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है, सारी सिख हिस्ट्री के बारे लिखा हुआ है कि कब क्या हुआ था, सबके नीचे हर पिक के इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या क्या हुआ था, कब हुआ था। सो
सो गाइस ये वो जगह है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी खुद दस्तार पहनने सिखाते थे सबको, और अभी देखते हैं आगे। बाकी यहाँ का व्यू तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ है। चलो दिखाते हैं आगे। जैसे हम गुरुद्वारे से निकल गए हैं और हमें गुरुद्वारा ये ऊपर है और ये उसकी बैक साइड है, और ये यमुना नदी देखो कितनी बड़ी है, और यहाँ का व्यू देखो क्या औसम व्यू है। एकदम चिल, एकदम पीस, शांति बहुत है यहाँ पे। बहुत बड़ी नदी है, तो भी पता नहीं मेरे को पूरी दिख भी नहीं रही है, तो बहुत बड़ी नदी है, बहुत ही अच्छी नदी है। और यहाँ बैठने का तो अलग ही मज़ा है। फाइनली हम नानागढ़ से 3 या 4 घंटे बाद एक स्टॉप लिया है जहाँ है देवप्रयाग, और यहाँ की पानी और व्यू इतना अच्छा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। रुको, ये देखो गाइस क्या ऑसम व्यू है। ये पानी देखो, ये दो नदियाँ आपस में नहीं मिलती, नाइस व्यू। और पानी इतना ठंडा है ये क्या ही बताऊँ। यहाँ से अब सीधा जाएंगे जोशीमठ, क्योंकि रात हो जाएगी तो ब्लॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो हम सीधा आपको वहीं मिलते हैं। चलो तो गाइस हम निकल चुके थे देवप्रयाग से, और मैंने परने टकर टोपी इसलिए पहनी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, और परना गाड़ी में सो के थोड़ा हिल भी गया था। तो अभी हम आ रहे हैं, ये गोचर एक जगह है, मतलब छोटी सिटी है। यहाँ पे हमारा प्लान था ऊपर जाने का, ऊपर जाने का हम निकल ही गए थे गोविंद घाट पर जाने का प्लान था, गोविंद घाट के लिए हम निकल गए थे, लेकिन बैरिकेड था उन्होंने रोक लिया। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, तो आगे कह रहे हैं कि हम तो जाने देंगे, आगे 3-4 और बैरिकेड हैं, तो अब कैसे होगा। तो हमने सोचा तो यही रूम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें एक रूम मिला है, मतलब सस्ता ही है, ओके ओके है रूम तो, लेकिन रेट के हिसाब से काफ़ी सही है। तो हम अभी यहीं रुकेंगे और हम सुबह निकलेंगे गोविंद घाट के लिए। चलो आपको दिखाते हैं आगे। गाइस ये है होटल का अंदर का सारा, कैसा सा है होटल, ऊपर चल के दिखाते हैं आपको रूम कैसा है। चलो कौन सा छोटा बैग लेके नहीं गए हो। निकाल रहा हूँ, और कुछ तो नहीं दिया गया। चलो आपको दिखाते हैं रूम है। भैया सुबह सुबह चेकआउट का टाइम तो कितने बजे कर सकते हैं। 12 बजे मैक्स, 12 बजे 12 बजे तक कर सकते हैं। चलो ठीक है। तो गाइस ये है हमारा रूम, ओके है, मतलब अब इतने कम पैसे में क्या ही मिलेगा, मतलब बढ़िया है, रहने लायक है, हम वैसे भी सुबह निकल लेंगे।